हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लेलिस्ट। एंड आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग से, प्लेन ट्रांजिशन ग्रेटिंग के ऊपर, ब्रेक स्लो पर, रिजोल्विंग पावर के ऊपर, जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वेव ऑप्टिक्स में वो सब अभी करेंगे अभी कभी। तो आ जाओ फटाफट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ठीक है। ब्रेक स्लो है, ब्रेक स्लो का फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, ये रहा 2d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, ठीक है। ऐसे ही डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग होता है a प्लस बी sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। ये किसके केस में होता है? जब प्लेन ट्रांजिशन ग्रेटिंग होती है तब मिनिमा, कोई भी फर्स्ट मिनिमा होता है उसका होता है a sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। एंड सिंगल आपका सिंपल डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का भी यही होता है, ठीक है। रिजोल्विंग पावर का 1, 2, 3, ये तीन फॉर्मूला है अपने पास, r इक्वल टू n कैपिटल n, ठीक है। और उसका वैल्यू भी इक्वल टू लैम्डा अपॉन d लैम्डा होता है। w की वैल्यू निकलती है यानी विड्थ, ठीक है। n मल्टीप्लाई a प्लस बी होता है। R का वैल्यू यानी रिजोल्विंग पावर, इसी को पूरे को सोल्व कर दूं तो n मल्टीप्लाई a प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा होता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या गिवन है? थीटा गिवन है सर, स्पेसिंग यानी d गिवन है, कैलकुलेट करना है सर मुझे वेवलेंथ, ठीक है, एंड सेकंड ऑर्डर यानी कहीं ना कहीं n बोल रही है। आ जाओ, लैम्डा गिवन है सर 2d साइन थीटा, सॉरी लैम्डा निकालना है अपॉन में n, ठीक है। लैम्डा निकालना है 2 मल्टीप्लाई डी, स्पेसिंग गिवन है, ठीक है। स्पेसिंग की वैल्यू क्या है? ये दी 1.87 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू अपॉन में सेकंड ऑर्डर है 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, लैम्डा इक्वल टू आ गया 1.87 मल्टीप्लाई बाई 1/2, विच इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 0.935 एम्पियर। आपको ये नहीं चाहिए, यही चाहिए होता है वेवलेंथ के केस में, ये आंसर आ गया। मीटर में चाहिए तो 10^-10 हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये वाला देखो, पढ़ो इसे समझो। सो इस वाले क्वेश्चन में देखो, इंसिडेंस हो रही है एक लाइट जिसकी वेवलेंथ है 5400, ठीक है, और वो कॉन्सिडेंट हो रही है दूसरी वेवलेंथ के ऊपर, एंगल गिवन है, और हाउ मेनी लाइन्स पूछा है। हाउ मेनी लाइन्स, एक तरह से ये होती है लाइन्स आपकी, ठीक है, यानी ये नहीं होती, 1/a + b को बोलते हैं नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो आप अपन यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, बट यहाँ पे दो लैम्डा है तो n1 और n2, नहीं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 करते हैं इसको, ठीक है। तो ये लैम्डा 1 हो गया, ऐसे ही a प्लस बी साइन थीटा किसी और ऑर्डर पे है तो n+1, हायर ऑर्डर बोला है तो लैम्डा 2+1 मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो n लैम्डा 1 इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2 हो गया, n लैम्डा 1 इक्वल टू n लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 हो गया, राइट और रॉन्ग। अपन इसमें n की वैल्यू निकालते हैं, ओनली n की वैल्यू निकली, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 2, n की वैल्यू आ गई सर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड वेरी गुड। इस n की वैल्यू को इसमें डाल दो ताकि अपन a प्लस बी को निकाल सके, डालने चलो भैया डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n की वैल्यू क्या निकाली थी? लैम्डा 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जाएगा तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। अब मुझे ये चाहिए बेटा, तो इसको इधर ले जाते हैं, इन सबको इधर ले जाते हैं, तो देखो क्या बना, साइन थीटा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा 2, एंड इधर बनेगा a प्लस बी, ठीक है। वैल्यू बताओ सर क्या क्या गिवन है फटाफट से। सर थीटा गिवन है 30 डिग्री, ओके। लैम्डा 1 की वैल्यू है 5400 एम्पियर, जिसको अपन सेमी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ लाइन सेमी में होती है, तो इस बार होगा 10^-8, अदरवाइज मीटर में होता तो 10^-10 होता। लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है? क्या है भैया? 4050 × 10^-8 है भैया। सर हमको यहाँ पे रखना और कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप कर सकते हो? चलो मैं कर देता हूँ, नो डाउट, ठीक है, ओके। इसको यहीं घटा लेते ना यार, कितने हैं ये, आ गया 1450 1350, सही कर रहा हूँ क्या? हाँ सही कर रहा हूँ। × 10^-8 देन मल्टीप्लाई करना 5400 को 4050 से, 10^-8 × 10^-8, ओके। एंड देन फाइनली इसका आउटपुट आ रहा है आपका 3086 लाइंस, ओके, ये आपका फाइनल आंसर है इसका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो चलते हैं, ठीक है। स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक बार उसको पढ़ो समझो क्या है, फिर अपन या पानी वानी पियो, पानी पीना इसको, पानी पी लो, वीडियो को पॉज कर लो, घूम लो फिर लो, वापस आ जाओ। इसलिए मैं वीडियो क्या है ऑनलाइन बनाता हूँ,
ताकि किसी को बंदे को जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो यार पढ़ो। आपके परिवार वालों को आपसे उम्मीद है आप इतिहास बनाओगे, तो बनाओ यार इतिहास करके दिखाओ। ओके करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सिक्स्थ मिनिमम इन द डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑफ द सिंगल स्लेट इज 0.5। ओके एंड द स्क्रीन इज 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द स्लेट। ओके वेवलेंथ ये गिवन है, डिटरमाइन करना है स्लेट की विड्थ। ओके कोई इशू नहीं है, सिंपल वाला लेते हैं इस केस में, साइन थीटा एंड लैम्डा। ओके अपन आ गए इसके अंदर, सिंपल कुछ नहीं किया अपन ने, ये किया सिंपल, ठीक है। सिक्स के केस में क्या होगा, ए साइन थीटा इक्वल टू सिक्स लैम्डा। ओके इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो ताकि अपन इसकी विड्थ निकाल सके, क्योंकि विड्थ का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। देखो तो इस केस में अपन क्या कर रहे हैं कि अपन को विड्थ निकालनी है ना, तो देखो यहाँ पे ए साइन थीटा को ए थीटा बोलते हैं, थीटा की वैल्यू निकलती है डी वन अपॉन कैपिटल डी। तो सिक्स के केस में थीटा सिक्स होता है तो डी सिक्स अपॉन डी, और ए का ही अपना ऐसे इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो सिक्स लैम्डा माइनस वन ये, एंड इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो ए डी सिक्स माइनस डी वन अपॉन डी, ठीक है। अब अपन को ए चाहिए ना, ए इज अ विड्थ, ठीक है। तो ये इधर आ गया, इधर नीचे चल गया, तो ये बन गया अपना फाइनल, राइट। नाउ लैम्डा की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एंड डी सिक्स माइनस डी वन, क्योंकि उन्होंने बोलता डिस्टेंस बिटवीन, तो उनका डिफरेंस था, तो वो डिफरेंस ये था अपना। इनको इसको सोल्व करना है, फाइनल आउटपुट ये वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो रहा है अपन, तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन शानदार है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको पढ़ो एक बार समझो फिर अपन करते इसको। ओके क्या क्या गिवन है, लाइंस गिवन है सर, तो कैपिटल एन गिवन है 9600, ठीक है। नेक्स्ट सर विड्थ गिवन है, डब्ल्यू गिवन है यानी कि 3 सेमी। ओके इसको मीटर में ले लें, 3 × 10^-2 मीटर। ओके और क्या गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर इन द विसिनिटी ऑफ द ग्रीन लाइन ऑफ द वेवलेंथ 5460। ओके हाँ जाओ ये वाला लगेगा भैया, डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल लाइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 3 × 10^-2 अपॉन में 9600। ओके ओके नाउ और क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन के अंदर थ्री ऑर्डर का है तो एन की वैल्यू है 3, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू गिवन कर रखी है कितनी 5460 अपीयर। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके ठीक है गुड है, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 3.13 × 10^-6 मीटर। ओके नाउ अपन को वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, किसकी निकालनी है अपन को, डिस्पर्सन निकालना है, डिस्पर्सन निकलता है, डिस्पर्सन निकलेगा थोड़ा, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है ये वाला काम आएगा। ए प्लस बी ध्यान से समझो यार, मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू है लैम्डा की, यानी साइन थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी नो डाउट, बट कुछ भी नहीं करना है, थीटा की वैल्यू चाहिए अपन को नॉर्मली डिस्पर्सन के केस में, तो साइन इनवर्स। अब इस इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर के थ्रू, जो आपके पास होना ही चाहिए यार, फर्स्ट ईयर में काम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, किसी भी सीनियर से ले लो यार एक बार, लेकिन लो यार, ठीक है ये आ गया, ठीक है। अब इनवर्स से इसकी वैल्यू निकाल दोगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी सर मेरी 31.6 डिग्री आ गया, ठीक है। ये काम आएगा अपन को, क्योंकि डिस्पर्सन निकालना है ना, तो डिस्पर्सन का एक फॉर्मूला होता है एंगल के प्रति, ये वाला, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से निकलेगी सर, मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसके थ्रू निकाल सकते हैं अपन नो डाउट। कैसे निकलेगा बताओ, इसका अपन को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करते हैं तो मैं आपको फाइनल वैल्यू बता देता हूँ डिफरेंशिएशन के बाद की, दैट इज योर एन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। भाई कुछ भी नहीं हुआ, साइन का कोस बन गया, ये कॉन्स्टेंट थे, इनका कुछ हुआ नहीं, लैम्डा नीचे चला गया, उसके ऊपर डिफरेंशिएशन हुआ तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और कुछ भी नहीं हुआ, ए प्लस बी नीचे चला गया, साइन का कोस हो गया, सही है। अब थीटा की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ए प्लस बी की वैल्यू है पुट कर दूंगा, एन की वैल्यू है पुट कर दूंगा, डी थीटा अपॉन डी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज मेरा डिस्पर्सन हो गया 3 × 3.13 × 10^-6 कॉस 30 की वैल्यू, सॉरी 31.6 डिग्री वैल्यू। अब ये भी आपको कहाँ से निकलेगी, कैलकुलेटर के थ्रू ही निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसका फाइनल वैल्यू मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड इसको ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ समझ नहीं आएगा वरना आपको भी, ठीक है। इसको नीचे ले आते हैं तो 1.13 × 10^-3 रेडियन में आई है, नैनोमीटर में आती है, रेडियन नैनोमीटर में, इसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको पाई बाई लैम्डा से पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेडियन को हटाने के लिए, देन आपका वैल्यू निकलेगा डिग्री के अंदर 0.0646 डिग्री।
पर नैनोमीटर, तो ये डिग्री में आंसर आपका 0.0646 डिग्री आपका आंसर आ गया। इसी के अंदर एक और था, रिजोल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इन द फिफ्थ ऑर्डर, इन फिफ्थ ऑर्डर, ओके। फॉर्मूला अपने पास आर इक्वल टू एन लेमडा, अब एन की वैल्यू गिवन है, यस गिवन है एरिया, एंड इन्होंने बता दिया फिफ्थ नंबर का निकालो, यानी कि 5, यहाँ लिख देते हैं आर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 9600 विच इज इक्वल टू 4.80 इंटू 10 की पावर 4, ओके। अब इसी में वेवलेंथ डिफरेंस होता है ये वाला, अब अपन को रिजोल्विंग पावर तो निकाल ली, गुड है, ये अपना आंसर है, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर अगर आपको वेवलेंथ डिफरेंस निकालना है तो आप निकाल सकते हो, नो डाउट। फॉर्मूला आपका यहाँ पर है डी लेमडा इक्वल टू लेमडा अपॉन आर, लेमडा की वैल्यू अपनी कौन सी है, वो ही ऊपर वाली 5460 एम्पियर अपॉन में आर की वैल्यू, ठीक है, जो अपन ने निकाली है 4.80 इंटू 10 की पावर 4, ओके, विच इज इक्वल टू 0.0011 एम्पियर, डी लेमडा की वैल्यू आ गई, ओके, यानी कि डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ आ गई है, ठीक है। वो अपना था डिस्पर्सन, तो ये पूरा अच्छा खासा न्यूमेरिकल हो गया आई थिंक, और बहुत तगड़ा लेवल का हो गया। एंड अब कुछ बचा है तो मैं देखता हूँ, यस एक क्वेश्चन बचा है छोटा सा है, वो कर लेते हैं स्क्रीन के सामने आपके, ये रहा। सो ये फाइनल क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, एक तो देखो विड्थ ऑफ स्लिट गिवन है 0.012 mm, ठीक है, इसको मीटर में कर लेंगे नो डाउट। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट एंड द एंगुलर पोजिशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट लाइन, ध्यान से सुना, ब्राइट बोला डार्क नहीं, तो ब्राइट वाला फॉर्मूला लगेगा। साथ के साथ इन्होंने डिग्री दे रखी, यानी कि डिग्री की वैल्यू दी, यानी टीटा की वैल्यू गिवन है 5.2 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ओके। तो इसके अंदर हमने क्या करा है, सबसे पहले विड्थ निकाली है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, टीटा गिवन है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करा है, ताकि मीटर से मल्टीप्लाई कर सकूँ, डिग्री से थोड़ी करूंगा, ठीक है, ये कर लिया। फॉर्मूला ब्राइट के लिए होता है, और नॉर्मल के लिए क्या होता है, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होता है सर, तो ब्राइट के लिए क्या होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है, इसलिए बोलता हूँ फॉर्मूला दिमाग में रखो, जितने भी है सारे याद होने चाहिए आपको। तो फर्स्ट ब्राइट के केस में फर्स्ट बोला है तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो 2+1 3 हो गया, 3/2 हो गया, लैम्डा हो गया, वैल्यू किसकी चाहिए, वेवलेंथ की, यानी कि लैम्डा की चाहिए, लैम्डा इधर रखो, बाकी रखो उधर ले जाओ, उधर गए तो भैया 2 बन गया, ए बन गया, साइन थीटा बन गया, अपॉन में 3 बन गया, ओके। सो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, स्मॉलर के केस में अपन लेके चल रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे 5.2 पाई की वैल्यू होगी 3.14 डिवाइड बाई 180 आ गया, 3 का 3 आ गया, 2 का 2 आ गया, इन सबको सोल्व कर लिया, मीटर में आ रहा है, इसको मैं चाहता हूँ एम्पियर में आया, तो ये आ गया आपका 7257 एम्पियर। लैम्डा की वैल्यू आपकी वेवलेंथ की वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे सब करवा दिए हैं नो डाउट। अब आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस प्लेलिस्ट इवन विथ योर फ्रेंड्स, विथ क्लासमेट्स, विथ योर स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि वो पढ़ सके यार, वो भी सीख सके, अपना टाइम बचा सके। ये चीज़ें मैं यहाँ क्यों कराता हूँ, क्योंकि आप खुद से करने बैठोगे ना बुक्स में, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे न्यूमेरिकल करने का हो, चाहे डेरिवेशन समझने का हो, किसी भी चीज़ को टॉपिक को लेके समझो, तो वहाँ 2-3 घंटे कंज्यूम हो जाएंगे एक टॉपिक को समझने में। यहाँ मैं आपको 10-12-15 मिनट में वो टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, और आप समझ के लिख लोगे उन्हें 30 मिनट में, तो 3-4 घंटे का काम अपन मात्र 30-15 मिनट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक 15-20 मिनट में कर पा रहे हैं वो चीज़, समझ रहे हो आप ये बात, तो कितना आपका टाइम बच पा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ओनली फॉर यू स्टूडेंट्स, ताकि आप पढ़ सको, देश को आगे बढ़ा सको, अच्छे काम कर सको, एंड इंजीनियर बनने वाले हो तो इनोवेटिव थिंग्स के बारे में सोचो, स्टार्टअप्स के बारे में सोचो, अपने स्किल्स को डेवलप करने के बारे में सोचो, ये सब चीज़ें तो ओके है, एग्जाम टाइम में आएगी कर लेना, लेकिन अपने स्किल्स पे काम करो ताकि आप ग्रो कर सको, ओके। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। मिल लेने इस वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।